अब हम देखते हैं पिक्चर एक कोल माइन की। तो देखो ये कोल माइन की पिक्चर है, ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग इंटरनेट पे और भी पिक्चर्स देख सकते हैं कोल माइन की। कोल माइन में बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई हो रही होती है मिट्टी की, और मिट्टी के नीचे क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, कोयला मिलता है और बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई करके कोयला निकाला जा रहा होता है। माइंस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो मिट्टी की खुदाई है उसके नीचे क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हीट जो है मतलब वो प्रोड्यूस करता है, गर्म करा जाता है कोयले को और जलता है कोयला एयर में, तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे, देखो कोयले में क्या था मेनली कार्बन, और एयर में से उसे क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, O2। ऑक्सीजन हो गई O2, कोयले में क्या था कार्बन, और ये मिलके क्या बनाते हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयला जब जब एयर में जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो कोयले को ही जब इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो उससे कुछ और प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो तीन और प्रोडक्ट मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो ये कोयले से प्रोसेस करके इंडस्ट्री में निकाले जाते हैं। तो देखो क्या क्या है ये, सबसे पहले देखते हैं कोक। कोक क्या है, ठीक है, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो ये कैसा है, टफ मजबूत है, पोरस यानी इसमें छेद छेद है। पोरस मतलब कुछ चीजें जिसमें छेद हो, और कैसा ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये क्या चीज है, कार्बन की प्योर फॉर्म है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो किस चीज में यूज होता है, स्टील बनाने में, स्टील बनाने में कोक का यूज होता है। एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कई सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट जमीन से निकालने में इसका यूज होता है। तो कोक आ गई हमारी, तो कोक क्या चीज था, कोक, ये कोका कोला नहीं है, कोक। ये कोक जो कोयले से बना हुआ कोक है, ये कैसा होता है, टफ मजबूत होता है, पोरस होता है, पोरस कलर इसमें छेद होते हैं, और कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ये क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की, और किस चीज में यूज होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और कई सारी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोल्टा। कोल्टा, कोल्टा तो देखो आप लोगों सिंपली देखा है जो सड़क बनाने में जो लिक्विड जैसा यूज करते हैं वो कोल्टार ही होता है। ठीक है, इट इज ब्लैक, ये भी कैसा होता है, ब्लैक, थिक लिक्विड, गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही होती है। ठीक है, कैसा है, ब्लैक है, और कैसा है, गाढ़ा सा लिक्विड है और गंदी सी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे कोल्टार ऐसे फ्लो होता है, और सड़क बनाते वक्त जो ड्रमों में गर्म कर रखते हैं पिघला हुआ सा काला सा लिक्विड, वो कोल्टार ही होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किस क्या चीज है ये देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये 200 चीजों का मिक्सचर है, 200 अलग अलग चीजें की मिक्स करते हैं उसका मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। तो इस कोल टार से जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, उनका कैसे यूज होता है, वो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई सारे सब्सटेंसेस जिन्हें हम डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स छत पे डालने का, एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फ्रॉम कोल्टा। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना जो कपड़ों में रखते हैं, तो वो भी कहाँ से मिलती हैं, कोल्टार से भी मिलती हैं। ठीक है, अब क्या है, दीज डेज आजकल क्या है, बिटुमिन, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल्टार फॉर मेटलिंग द रोड। तो आजकल तो भाई पहले क्या था, रोड्स में कोल्टार ही पड़ता था, आजकल क्या है, बिटुमिन पड़ता है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल्टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो रोड बनाने में क्या चीज यूज हो रही है, आजकल बिटुमिन भी यूज हो रहा है, पहले कोल्टार भी यूज होता था रोड बनाने में। ठीक है, तो रोड बनाने में
में भी यूज होता था, अब क्या यूज हो रहा है, बिटुमिन, कोल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, कोल गैस। कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब हम कोयले से जो है कोक बना रहे होते हैं, कोयले से कोक बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या हमें मिलता है, कोल गैस भी मिलती है, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अबाउट 1820। तो कोल गैस क्या थी, पहली बार यह कहाँ यूज कर दी गई थी, 1810 में लंदन में, किस लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, और न्यूयॉर्क में कब यूज की गई थी, 1820 में। नाउअडेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। तो आजकल इसको जो है किसका सोर्स है, ये हीट का सोर्स है, ना कि लाइट का। बट उस टाइम जो है 1810 और 1820 में, मतलब आज से 200 साल पहले, इससे क्या जलाई जाती थी, लाइट जलाती जाती थी, स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। तो कैसे मिली है, जब हम कोक बनाते थे कोल से, तो ये कोल गैस भी बनती थी। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री। तो कई सारी इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, जैसे कि फ्यूल की तरह। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स जहां होती है उसके नियर ये फ्यूल की तरह भी यूज होती है। नेक्स्ट हमारा आया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो पेट्रोल जो है किसमें फ्यूल की तरह यूज होता है, मोटरसाइकिल्स में होता है, स्कूटर्स में होता है और कार्स में होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो किस पे चलते हैं, डीजल से, जैसे ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। जो छोटे व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं, पेट्रोल से। हैवी व्हीकल्स डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। देखो पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। पेट्रोल किससे मिलता है, पेट्रोल पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल भी पेट्रोलियम से मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा वर्ड से मिला है पेट्रोलियम वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, रॉक, एंड ओलियम, ओलियम का मतलब हो गया ऑयल। तो पेट्रोलियम तो किस किस वर्ड से मिला है, पेट्रा और ओलियम, पेट्रोलियम। तो देखो इसमें से जो है ए हटा दो तो क्या बोला, पेट्रोलियम, तो यानी रॉक ऑयल, रॉक से मिलने वाला ऑयल, ठीक है, क्योंकि अर्थ से निकलता है तो ये रॉक से मिलने वाला ऑयल है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। क्योंकि ये कहां से आता है, अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनके बिटवीन भरा हुआ होता है, तो ये रॉक से निकलने वाला ऑयल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, रॉक से मिलने वाला ऑयल, अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है उसमें भरा हुआ होता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, तो क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ, तो पहले ये देख लेते हैं कि फिगर देख लेते हैं 5.4, उसके बाद देखते हैं कैसे। तो देखो ये, देखो ये अर्थ का एक सेक्शन काटा है, अर्थ का एक सेक्शन, तो ये वेल्स यानी पेट्रोल के कुएं, ये वेल्स हैं, लेकिन किस चीज के वेल्स हैं, पेट्रोल के। तो पेट्रोल के वेल लगा दिए, कुआं खोद दिए पेट्रोल के लिए। तो अब यहां देखो ये जो है एक रॉक है, ठीक है, रॉक की लेयर है एक, ठीक है, ये क्या है, रिजर्वायर रॉक है, यहां क्या लेयर है, वाटर की, और यहां क्या है, वाटर के ऊपर ऑयल, क्योंकि ऑयल हमेशा किसके ऊपर रहता है, वाटर के ऊपर, और यहां देखो क्या है, गैस, यहां क्या है, गैस। तो डिफरेंट रॉक की लेयर के बीच में क्या है, देखो वाटर है, वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल और गैस, क्योंकि ऑयल किससे, वाटर से हल्का होता है, तो अगर आप घर में भी वाटर के ऊपर ऑयल डालोगे तो ऊपर ऑयल आ जाता है ना, तो वाटर की लेयर है, वाटर की लेयर के ऊपर क्या है, ऑयल, और ऑयल के ऊपर क्या है, गैस। तो देखो इन्होंने कैसे, जैसे अगर यहां पे आप तीसरी वेल लगा देते, तीसरा वेल लगा देते, तो ये वाला वेल किसे देता, ये वेल देता हमें वाटर, ये वाला वेल क्या दे रहा है, ऑयल, ठीक है, और ये वाला वेल क्या दे रहा है हमें, गैस। तो ये ऑयल ही क्या है, रॉक ऑयल यानी पेट्रोलियम। तो वाटर के ऊपर, लेकिन ये हर जगह नहीं मिलता, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये रॉक ऑयल जो पेट्रोलियम है हर जगह नहीं होता। तो यहां क्या मिलता, वाटर, यहां क्या मिल रहा है, ऑयल, यहां क्या मिल रहा है, गैस, और ये डिफरेंट रॉक की लेयर्स के बीच में, बीच में क्या है,
ट्रैप्ड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल या पेट्रोलियम।